एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट कपल्ड विथ मतलब अलोंग विथ इंटरेस्ट क्या होता है इसमें पहले द टू पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ना ही कोई प्रिंसिपल है ना ही कोई एजेंट है देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन देम बट वन पार्टी इज इंटरेस्टेड इन अनदर पार्टी फॉर सम रीजन ओके सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कुछ पैसे दिए पांच लाख रुपए ए ने बी को पांच लाख रुपए दिए मतलब अब मुझे बताओ विल ए बी इंटरेस्टेड इन बी ए विल बी बी इंटरेस्टेड इन ऑब्वियसली बिकॉज़ ए को बी से पांच लाख रुपए आने हैं तो दैट इज वाई इज इंटरेस्टेड इन बी अब हो रहा क्या है बी इज नॉट एबल टू रीपे दिस पर्टिकुलर लोन अमाउंट तो बी ऐसे कहता है कि हे मिस्टर ए तुम मेरे लिए एजेंट बन जाओ और मेरा जो घर है वो मेरे बिहाफ में तुम बेच दो जितना भी पैसा आता है सेल्स का पैसा अपने तुम पाँच लाख रुपए ले लो और मेरा एजेंट बनने के लिए जितना कमीशन बनता है वो पैसे तुम ले लो और बाकी का सरप्लस जो बचता है तुम मुझे लौटा दो अब जाके क्या एजेंसी बना है बट पहले सिर्फ इंटरेस्ट था इंटरेस्ट के बाद एजेंसी बना है इसी एजेंसी को कहते हैं एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट मेन <coughs> पॉइंट <coughs> जो है इसका वो ये है that agency coupled with interest is irrevocable irre in nature it cannot be revoked in eyes of law irrevocable hai chaha kar bhi aap is contract ko revoke nahi kar sakte so this is all about the contract of agency chalo कम्युनिकेशन पे चलते Communication कम्युनिकेशन के पांच चैप्टर्स फटाफट कर लेते हैं आधा घंटा में हो जाएगा और नेक्स्ट फोर्टी मिनट्स में हम लोग नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर वन पे आ जाओ कम्युनिकेशन के एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक चार्ट में मैंने सब कुछ कवर किया है उसी को मैं स्क्रीन पे रखती हूं देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर नंबर वन ऑफ कम्युनिकेशन वो कहता है वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आज के जमाने में क्यों कम्युनिकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जिन लोगों को मेमोरी टेक्निक पता है प्लीज मेमोरी टेक्निक बोलिए मल्टीपल ट्रेड यूनियन पब्लिक के साथ ह्यूमन रिलेशन रखेगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा मल्टीपल इस मल्टीपल लोकेशन ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन पब्लिक रिलेशन रिलेशन टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट इज वॉट एडवांस इन बिहेवियरल साइंसेस नेक्स्ट मुझे बताइए कि वॉट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कितने एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस में सेवन एलिमेंट्स कौन से है ये सेवन एलिमेंट्स बोलो सेंड रिसीवर एन कोडिंग डी कोडिंग मैसे चैन हु पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस मैसेज किसे भेज रहे हो क्या एनकोडिंग और डी जरूरी है जब मैं कहती हूं मैंने अपने फैक्ट्स को आइडियाज को इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया है इन टू वर्ड सिंबल जेस्टर्स मैंने क्या किया है एन कोडिंग क्या इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है डी कोडिंग मुझे बताइए विच इज द एलिमेंट विच कनेक्ट देंडर रिसीवर क्या फीडबैक का होना जरूरी है क्या फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर के मैसेज को yes. अब देखो अगर आपको सवाल पूछा जाता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पहली बात तो आपको आंसर का जवाब ये जवाब जो है आंसर उसकी शुरुआत करनी विद एन इंट्रोडक्शन स्टेटिंग के कम्युनिकेशन मतलब क्या मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एक या दो सेंटेंसेस में पहले आपको वो बताना होगा दूसरी चीज आपको ये सातों भी एलिमेंट्स पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हेडिंग देते हुए एक्सप्लेन करने होंगे तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स जो डायग्राम है जो मेरी टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 93 थ्री में है वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा एग्जामिनेशन में क्योंकि अगर ये सवाल आता है माय डियर फ्रेंड्स कम से कम सिक्स सिक्स टू सेवन मार्क्स का ये सवाल आएगा और अगर आप चाहते हो आपको फुल मार्क्स मिले <coughs> इतने सिस्टमैटिकली आपका आंसर जो है वो रिटर्न होना चाहिए अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नेक्स्ट देर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट आर दीस टू फॉर्म्स बोल फॉर्मल एंड कहा गया है कि जो फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल है तो अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या Informal. जो इनफॉर्मल नहीं है आज भी यही जवाब दोगे पूरी रामायण होने के बाद राम और सीता का क्या संबंध है दोनों भाई बहन है <laughs> राधे राधे कुछ भी याद है यार तुम्हारी सोच सीरियसली सुनो मेरी बात फॉर्मल कम्युनिक इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इट फ्लोज थ्रू दी प्रिस्क्राइब चैनल थ्रू दी हेरार्की ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मैं एग्जाम्पल्स दूंगी आप मुझे कहना ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है पब्लिशिंग एन्यूअल रिपोर्ट्स गिविंग बर्थडे कार्ड्स लव लेटर्स गिविंग ऑफिस ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस फीडबैक लेट नाइट चैट्स इनफॉर्मल कट्टे पे बैठे दोस्तों से बातें करना फॉर्मल और इनफॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल के चार डायरेक्शन है कौन से कौन से अपवर्ड डाउनवर्ड वापस है अपवर्ड अच्छा मुझे बताओ सेल्स मैनेजर टू सेल्स क्लर्क सेल्स क्लर्क टू सेल्स मैनेजर सेल्स क्लर्क टू प्रोडक्शन क्लर्क एंड सेल्स क्लर्क टू लीगल डिपार्टमेंट मैनेजर क्रॉस वाइज और डायगेल मुझे बताओ फोर ग्रेट फाइन चेन कौन से कौन से सिंगल स्ट्रैंडिटी वापिस सिंगल स्ट्रैंड अच्छा ए टू बी बी टू सी सी टू डी सिंगल स्ट्रैंड ए टू एवरी वन अराउंड हिम ए टू अदर्स अदर्स टू स्टिल अदर्स एंड आई एम सिलेक्टिंग द इंडिविजुअल देखो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दो है फॉर्मल और इनफॉर्मल बट फिर कहा गया है द नेटवर्क और द पाथवे थ्रू विच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोर्स इज नोन एज ग्रेप वाइन द नेटवर्क और द पाथवे थ्रू विच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोर्स इज नोन एज ग्रेप वाइन यही ग्रेप वाइन क्यों बनता है उसके तीन फैक्टर्स है बेसिकली जरा फैक्टर्स विच लीड द कौन से है ये तीन फैक्टर्स फीलिंग ऑफ अनसर्टेंटी वेरी गुड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फेवर्ड ग्रुप्स। ग्रुप बोला तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेंटी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फेवर्ड ग्रुप शायद से इसी के ऊपर क्या मैं टू में सवाल पूछा था What do you mean by Grapevine and what are the factors which lead to the Grapevine phenomenon? Now, where we have formed and types have now advantages and disadvantages. Tell me, which the five advantages of Formal? Effectiveness, vast coverage, filtering is possible, satisfies the people in the managerial position, very good and helps in maintaining records. चार एडवांटेजेस ग्रेप वाइन के बोलिए वेरी गुड स्पीडी ट्रांसमिशन फीडबैक वैल्यू सपोर्ट टू अदर चैनल्स एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इनफॉर्मल मतलब ये ग्रेप के तीन डिसएडवांटेजेस बताइए लेस कैल्टेबल वेरी गुड डज नॉट कैरी द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड स्पॉइल्स द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड ये टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन में पूछा था एंड फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रेपाइन मे टू में पूछा था नेक्स्ट मुझे बताइए मीडिया जो होता है कम्युनिकेशन का media, का मीडिया दो तरीके होता है कौन सा कौन सा वर्बल एंड नॉन वर्बल पे शब्दों का इस्तेमाल होता है कहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है वर्बल के भी दो टाइप्स है ओरल एंड रिटन मैं एग्जाम्पल्स दूंगी आप बोलना ओरल है या रिटन है गिविंग लेक्स एस एम एस ईमेल टॉकिंग ऑन फोन ई मेल्स फैक्स उल फैक्स इज रिटर्न हाँ या ना और अच्छा कुछ ना बोलते हुए भी मतलब शब्दों को ना इस्तेमाल करते हुए भी क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो इसे क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज हाँ या ना बहुत सारे टाइप्स हमने देखे नॉन वर्बल के काइनेसिक्स मतलब ही बॉडी लैंग्वेज और आर्टिफेक्चुअल कम्युनिकेशन क्रोनोमिक्स क्रोनोम एंड हैप्टिक्स है ना अच्छा पेज 101 पे आ जाओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बीच में मेरी बुक का 101 पेज दिख रहा है क्या आपको क्या हुआ है यहां पे? ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया है मैं सिचुएशन दूंगी आपको देखो ये क्वेश्चन चार तरीके से पूछा जा सकता है पहला तरीका जो है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे कभी कभार पूछा जा सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन तो आप लिखोगे पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कभी कभार सवाल पूछा जा सकता है वाई ओरल कम्युनिकेशन ओवर रिटन कम्युनिकेशन तो आप एडवांटेजेस किसके लिखोगे oral. बोलो ना ओरल और डिसएडवांटेजेस किसके लिखोगे रिटन yes. कम्युनिकेशन और कभी कभार सवाल पूछा जा सकता है कि अ रिटन वर्ड इज माइटियर देन अ स्पोकन वर्ड तब आप मुझे बताओ एडवांटेजेस किसके हो गए रिटर्न और डिसएडवांटेजेस किसके हो गए ओरल अब मैं सिचुएशन दूंगी आपको खुद मुझे बोलना है यहाँ पे कौन सा ऐप्ट रहेगा ओरल या रिटर्न मुझे बताओ कन्विंस करना जरूरी है इमीडिएट फीडबैक लेना जरूरी है टाइम बहुत क्रूशल है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है मैसेज बहुत कॉम्प्लेक्स है बार बार रीड करना जरूरी है बहुत सारे लोगों के थ्रू पास होना है वो मैसेज रिटन रिटन ओरल अगर रहेगा तो मैन्युपलेट हो जाएगा मैसेज उसके बाद मुझे बताओ टाइम इतना इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट नहीं है कहां पे टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है रिटर्न yeah. कम्युनिकेशन मुझे बताइए इमोशंस देखना जरूरी है रेसिपेंट नॉट रीड वॉट यू हैव रिटर्न तो समझ में आ गया कब ओरल और कब रिटर्न yes. देखो अब आते हैं टू द नॉन वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पहला है काइनेसिक्स दैट इज बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट है प्रोक्सिमेसीज अच्छा ठीक है पैरा लैंग्वेज पहले देख लेते हैं पैरा लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज मतलब वर्बल क्लूज से जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं पैरा लैंग्वेज सिक्स वोकल क्लूज होती है कौन सी कौन सी सिक्स वोकल क्लूज बोलो पिच वेरिएशन वॉल्यूम वेरिएशन पॉजेज स्पीकिंग स्पीड एंड नॉन फ्लुएंसीज एंड वर्ड स्टेस अच्छा मुझे बताओ कम्युनिकेशन थ्रू अपियरेंस इज नोन एज आर्टिफेक्चुअल कम्युनिकेशन हा या ना कम्युनिकेशन थ्रू स्पेस इज नोन एज इज नोन एज अप्रॉक्सिमेसी चार सर्कल्स होते कौन से कौन से बोलो इंटरमेट पर्सनल सोशल पब्लिक वापस से इंटरमेट पर्सनल सोशल पब्लिक वन मोर टाइम लास्ट टाइम इंटरमेट

नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आप लोग खुद मुझे बोलोगे इसमें मैं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली हूं वन वन स्टूडेंट एल मी वन वन बैरियर नॉइज लैक ऑफ प्लानिंग कल्चरल बैरियर्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड रॉन्ग एजम्पन इमोशंस ओके बैड एक्सप्रेशन सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स एक काम कर तो मैं ही रिवाइज कराती हूं रहने दो आ जाइए कोई बात नहीं डोंट डिस्टर्ब माई कॉन्सेंट्रेशन बस आ जाओ अच्छे बच्चे हो ना आप लोग मैं खुद रिवाइज करा रही हूं आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है लेट इट बी टू मी ओनली नॉइज मीन्स एनी फिजिकल इंटरफेरेंस दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम यरिंग साउंड प्रॉपरली नॉइज सेंडर के साइड से भी हो सकता है और रिसीवर के साइड से भी हो सकता है अब नॉइज के और तीन कॉन्ट्रीब्यूश कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं पहला है पुअर टाइमिंग इन अप्रोप्रिएट चैनल और द नेटवर्क बैकग्राउंड नेटवर्क ब्रेकडाउन फिर नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्लानिंग सिमेंटिक बैरियर्स शब्द एक है बट मतलब अनेक है मतलब बेसिकली सिमेंटिक्स मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स समटाइम्स वर्ड्स आर बीन यूज कीपिंग अ पर्टिकुलर मीनिंग इन माइंड बट दे आर बीन इंटरप्रिटेड विथ अ पर्टिकुलर डिफरेंट मीनिंग जिसकी वजह से एनकोडिंग और डी कोडिंग में गैप हो जाती है अगर एनकोडिंग और डी कोडिंग में गैप हो जाती है तो क्या यहाँ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन हो जाएगा yes. इसी को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स कल्चरल बैरियर्स आप लोग जानते हो वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज कल्चरली डाइवर्स वर्ल्ड क्या इंडिया को ही देख लो इंडिया में ही देर आर सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स एंड वॉट हैपन इज सर्टन इन डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स दे मीन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर साइन को इस्तेमाल किया जाता है कोई एक मतलब रखते हुए बट समझा जाता है कोई दूसरा मतलब रखते हुए <laughs> मैंने कुछ नहीं कहा है देर इज रॉन्ग अजम्पन्स हाँ, बेटा और कुछ सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इसके तीन पार्ट से पहला है, opinion, emotions, जा पे एक पे हम जानते हैं कि इमोशंस का होना जरूरी है दूसरी साइड पे हम जानते हैं ये भी कि इमोशंस के वजह से कभी कभार हमारे कम्युनिकेशन में भी बैरियर जो है वो हो सकता है नेक्स्ट सिलेक्टिव परसेप्शन परसेप्शन मतलब आपका नजरिया चीजों को देखने का अब एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट परसेप्शन फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जिसकी वजह से आपका इंटरप्रिटेशन जो है आपके माइंड के हिसाब से चेंज हो सकता है फिल्टरिंग फिल्टरिंग में क्या होता है रिसीवर मैसेज को उसी तरह से फिल्टर करता है और मेन्यूपलेट करता है जिस तरह से वो चाहता है और उसी तरह से आगे पास ऑन करता है तो मैसेजेस तो आए थे दस बट फॉरवर्ड हुए थे सिर्फ चार तो पहुंचने चाहिए थे दस मैसेजेस बट पहुंचे हैं सिर्फ चार तो क्या ब्रेकडाउन हो गया इंफॉर्मेशन yes. ओवरलोड या आंटी जी को देख लीजिए पुअर रिटेंशन, आपकी जो छोड़ो पुअर रिटेंशन एंड पुअर लिसनिंग टूट टू ग्रेटेस्ट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ऑफेंसिव स्टाइल मतलब बहुत शुरू हुआ बहुत रूढ़ो बोलने में इनफैक्ट ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर क्यों क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन नहीं होता यहाँ पे टोटल फेलियर इन कम्युनिकेशन ही हो जाता है इन सफिशियंट पीरियड फॉर एडजस्टमेंट एंड लास्टली लॉस बाय ट्रांसमिशन सुनो मेरी बात एग्जामिनेशन में कभी सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि वॉट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्योंकि अगर ऐसा ऐसे टाइप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा 20 में से 10 मार्क्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाएंगे दैट द इंस्टीट्यूट कैन नॉट अफोर्ड क्योंकि इट ऑल्सो हैज टू चेक योर नॉलेज फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स तो इंस्टीट्यूट हां जरूर ऐसा सवाल पूछ सकता है कि स्टेट एनी फाइव बैरियर्स या तो ये सारे बैरियर्स में से वो पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स शॉर्ट नोट ऑन सीमेंटिक बैरियर्स दो तीन मार्क के लिए सवाल कभी कबार एक एग्जामिनेशन बहुत सही तरह से एग्जामिनर ने ड्राफ्ट किया था यह सवाल मतलब गोल्ड मेडल शुड बीमर सवाल था ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब आपको ये क्लिक होना चाहिए सवाल जो है वो पूछ रहा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन से तो जो भी फाइव बैरियर्स आपको याद आते देखो सेवनटीन बैरियर्स माई बुक आप लोग तो स्मार्ट हो अब क्या एटलीस्ट फाइव बैरियर्स यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन नोट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन सिर्फ हेडिंग्स नहीं दे रहे हैं हेडिंग्स के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी सही होना है नहीं तो बहुत बार जैसे कि एग्जामिनर पूछ रहे थे कल्चरल बैरियर्स कुछ भी लिख के आ जाते हैं स्टूडेंट्स मतलब एग्जामिनर को ये नहीं समझ में आता कि वो हंसे या वो रोए और फिर आप कहते हो मैम हेडिंग तो सब सही था सब बराबर से लिखा देखो सिर्फ वो मतलब नहीं लिखना है जो आपको समझाए वो मतलब लिख ला है जो सच में एग्जामिनर चाहता है कुछ भी लिख के आ जाते कल्चरल बैरियर्स डू नॉट राइड एनीथिंग दैट यू विश टू देखो कल मैंने जरूर कहा था प्रीवियस सेशन में कि आप आपकी खुद की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो बट सिर्फ ये बात पे आप स्टिक बत रहना मैंने उसके साथ साथ आगे ये भी कहा था कि मीनिंग जो एग्जामिनर ने लिखा है अपने मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने लिखा है अपने मॉड्यूल पे वही मीनिंग जो है वो आपके आंसर पेपर में भी झलकना चाहिए नहीं तो बस हाँ बोले कि मैम आपने तो बोला था देखो उस दिन रिकॉर्डिंग में आपने बोला था कि ओन शब्द यूज कर सकते मीनिंग you know, जैसा लिखा है और जैसा आप लिख रहे हो अब देखो ड्राफ्टिंग तो मैं आज नहीं करना चाहती हूँ ये क्वेश्चन के आगे मैंने मतलब ये चैप्टर के आगे मैंने दो चीजों का ड्राफ्टिंग करवाया है एक तो है लेटर का

वो भी प्लीज पढ़ के जाना मैं ड्राफ्टिंग का कुछ भी पार्ट आज नहीं करवा रही तो चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन और चैप्टर वन का जो ड्राफ्टिंग आई कैनॉट डू इट टूडे आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द थ्योरी पार्ट ये प्रेस रिलीज न्यूज तो आप पढ़ते ही हो पेज थ्री नहीं आई गेस ये ये कैटेगरीज जो है ना देखो मेरी बुक में पेज 120 पे कैटेगरीज ऑफ प्रेस रिलीज पॉइंट ए और पॉइंट बी पे शॉर्ट नोट आया था मे 2015 के पेपर में चार मार्क के लिए लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड सुन लो चैप्टर नंबर वन ऑफ कम्युनिकेशन मेरी बुक के हिसाब से उसका वेटेज जो है इट इज फोर मिनिमम फोर एंड इट कैन गो पिछला बस ट्वेंटी मार्क्स के कम्युनिकेशन में एट मार्क्स बस हो गया वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग सुनो ट्वेंटी मार्क्स कम्युनिकेशन के सिलेबस में फोर टू एट मार्क्स इज फ्रॉम चैप्टर नंबर वन पिछले अटेम्प्ट में चैप्टर वन वॉज फॉर एट मार्क्स एक तो चार मार्क का क्वेश्चन था वट यू मीन बाय ग्रेप वाइन एंड वर फैक्टर्स विच लीड टू द ग्रेप वाइन फिनोमिन और दूसरा चार मार्क का जो सवाल था वो है ये कैटेगरीज ऑफ प्रेस्टलीज वो भी चारों भी टाइप्स नहीं पूछे सिर्फ ए और बी टाइप जो है वो पूछा था बस तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एट होम आ जाइए अब चैप्टर नंबर टू पे थी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है अभी नो नो इतने जल्दी तो मैं ब्रेक देने भी नहीं आ ली कोई चांस नहीं एक ही घंटा हुआ है एटलीस्ट डेढ़ घंटा लूंगी और फिर उसके बाद अगर लगे तो मैं ब्रेक दूंगी नहीं तो नहीं और एक घंटा लगेगा मुझे बस घंटे का सेशन सुनो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देर आर फोर प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा है ये फोर प्रिंसिपल बोल प्रिंसिपल बोलिए आई आई सी सी आई आई सी सी आई 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 फॉर इन आई फॉर इिवर्स सी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर कॉन्टेक्शल देर आर फोर फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच आर दीज फोर फंक्शन बोलो गेनिंग इंफॉर्मेशन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी एंड द्री इंटरपर्सनल नीड्स हर कोई इंसान की एक ही जरूरत होती है कौन सी आर सी फॉर कंट्रोल बोलो आई फॉर इंक्लूशन ए फॉर अफेक्शन मुझे बताओ लिसनिंग और हरिंग क्या सेम होता है Is there a thin line of difference between listening and hearing? You hear through your ears, but you listen through your mind. इसी एक्टिव लिसनिंग के पांच पॉइंट्स हैं, जिसके वजह से ये लिसनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है कौन से है ये पांच पॉइंट्स बोलो नो नो इंपॉर्टेंट ऑफ एक्टिव लिस्निंग कौन सा कैरी आउट इट्स मिशन देखो दो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब वेल एंड एडवांस इन करियर बोलो तो वापस well है जॉब वेल एंड एडवांस इन करियर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग आउट इट्स मिशन एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप अब दूसरा क्वेश्चन जो है एक्टिव लिसनिंग पे वो है गाइडलाइंस कि अगर आप चाहते हो कि आप एक्टिव लिसनर बनो प्लीज मैम गिव अस सर्टेन गाइडलाइंस हाउ कैन वी बिकम एन एक्टिव लिसनर तो मुझे बताओ मेमोरी टेक्निक लड़के की आंखें और बॉडी देखकर लड़की को उसमें इंटरेस्ट आ गया इसीलिए उसने अपने फीलिंग्स को रीस्टेट करते हुए आखिर उससे वो सवाल आखिर इस सवाल बॉडी इज फॉर बॉडी लाइट इंटरेस्ट इज फॉर और सवाल पूछना दो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा था मे 2012 और मे 2014 डायरेक्ट एंड फोर्टीन डिरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन चार मार्क और गाइडलाइन फॉर एक्टिव लिसनिंग तो मेमोरी टेक्निक आती है फोर मार्क्स इनटू योर पॉकेट नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग ये भी एक तो दो क्वेश्चन थे उसके ऊपर दोनों भी क्वेश्चन में प्लीज बी वेरी केयरफुल डू नॉट गेट मिक्सड बिटवीन द टू क्वेश्चन एक क्वेश्चन है स्किल्स और दूसरा क्वेश्चन है क्वालिटीज़। अगर सवाल पूछा है स्किल्स 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 रिक्वायर फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इसके कितने पॉइंट्स है कुछ बारह या तेरह पॉइंट्स है ग्यारह या बारह कुछ तो है ग्यारह पॉइंट्स है स्किल्स 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 की मेमोरी टेक्निक क्या है बोलो आर.पी. सिंह ने एसीसी सीमेंट का सिप पीकर अपने आप को ऑब्जर्व और आर इज फॉर रैशनलाइज पी इज फॉर प्रायोरिटाइज सिंह इज फॉर समराइज ए सी सी फॉर थ्री पॉइंट एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट क्लासीफाई एंड सीक्वेंस कंपेयर एंड सिप एस इज फॉर सिंथेसाइज आई इज फॉर इंफर पी इज फॉर ऑब्जर्व फॉर ऑब्जर्व इवेलूए फॉर इवेल्यूएट और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है वो क्वालिटीज 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 ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर कभी कभार सवाल सुनो 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 कभी कभार सवाल ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज अ प्रोफाइल ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर प्रोफाइल या क्वालिटीज पूछा है, उसका जवाब क्या होगा मेमोरी टेक्निक बोलो ओपन द वेल

It refers to the uh, you know it, it refers to the capacity to recognize your own feelings, manage your own feelings, recognizing the feelings of others and managing the feelings of others.. It refers to the capacity to one: recognize your own feelings. two, manage your own feelings. Three, recognizing the feelings of and four, manage the feelings of others. Dehkho. फर्स्ट पॉइंट को कभी कभार सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं सेकेंड पॉइंट को सेल्फ मैनेजमेंट थर्ड पॉइंट को सोशल अवेयरनेस और फोर्थ पॉइंट को रिलेशनशिप मैनेजमेंट फर्स्ट टू पॉइंट आर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज है ना बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विथ सेल्फ एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर समाइम्स नोन एज सोशल कॉम्पिटेंसीज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू अदर्स मुझे बताओ इमोशनल इंटेलिजेंस किससे मेजर होता है क्यू हा इमोशनल क्वेश्चन वेर एस अकेडेमिक परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाई आई क्यू क्या ई क्यू और आई क्यू सेम है ई क्यू के साथ साथ क्या आई क्यू का होना भी जरूरी है तो यह सब्सटूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ई अदर सो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर थ्री नेक्स्ट चैप्टर नंबर थ्री ऑफ कम्युनिकेशन पेज नंबर 130 थर्टी ऑफ माई टेक्स्ट बुक्स ग्रुप डायनामिक्स ग्रुप मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल इसी ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप बोलो ग्रुप गोल एंड ग्रुप पैटर्न कैन क्रिएट स्ट्रक्चर्ड नॉम क्लाइमेट वापस से बोलो Group goal and group pattern can create structure, norm, group goal for group, group pattern for group pattern, structure for structure, norm for norm, climate for climate. उसी से सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पर्सनालिटी ग्रुप पर्सनालिटी ग्रुप पर्सनालिटी डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन कौन सा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप अब जो कर रहे हैं वो कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पर्सनैलिटी बोलो मुझे वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डिरेक्ट थे क्वेश्चन आने वाले कम्युनिकेशन में what are the characteristics of a group personality bolo group power, group power always respect. spirit of resistance to change group power always respects spirit of resistance to change group is for group prejudice power is for collective power respect is for respect for group values spirit is for

स्टैंड एडवाइजरी एंड अडॉ कौन सा है वो ग्रुप विच इज ऑटोनॉमस इन नेचर सेल्फ डायरेक्टेड टीम उसके बाद मुझे बताओ कौनसे ग्रुप में पीपल वॉलंट्री मीट अप फॉर एन आर ऑर टू एवरी वीक इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी क्वालिटी सर्कल कौन सी कमिटी इज इज परमानेंट इन नेचर कौन सी कमिटी हैज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी एंड कौनसी कमेटी इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज बोलो ना अडॉप कमेटी कौन सा ग्रुप ग्रुप इज फॉर्म फॉर अ पर्टिक्युलर टास्क इज दिस ऑल्सो टेम्पररी इन नेचर हा या ना इसी के ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन चार मार्क के लिए मे 2015 के पेपर में आया था व्हाट आर एन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट सर्कल्स कमिटीज एंड टास्क फोर्स के तीन टाइप्स बोलो स्टैंडिंग एडवाइजरी एंड अडहॉक रूल्स रोल्स ग्रुप रोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है लीडरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रुप थिंकिंग घर पर कर लेना यह सब

ग्रुप थिंकिंग इज द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप मेंबर टू अग्री सोली फॉर अग्रीमेंट्स सेक क्या ग्रुप थिंकिंग अच्छा है नो no. अच्छा क्यों नहीं है क्योंकि क्या होता है इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो हैम्पर हो जाती है वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर ट्राइंग टू से एज अ ग्रुप लीडर क्या आपकी ड्यूटी होगी ग्रुप थिंकिंग को अबॉलिश करने की कम करने की मिटाने की किस किस तरीके से आप ग्रुप थिंकिंग को मिटा सकते हो टेल मी हाउ कैन यू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप थिंकिंग अच्छा वेरी गुड एक इसने कहा है मैम ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड करो तो अगर कम कम लोग हर ग्रुप में रह गए ग्रुप थिंकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी वेरी गुड एक पॉइंट मिला है और वेरी गुड स्पेशल मीटिंग होल्ड करो ना डिस्कस करने के लिए मतलब अगर मीटिंग ही है ये कहने के लिए कि आप फील करते हो ऐसे केस में किसी को भी ये नहीं लगेगा कि उसकी बात सुनी नहीं गई है क्योंकि हम मिल ही रहे हैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए हर पर्सन को क्रिटिकल इवेल्युएटर का रोल प्ले करने के लिए बोलो क्योंकि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो क्रिटिकल थिंकिंग इज समाइम्स ऑल्सो एज नॉक्रिटिक थिंकिंग बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाई अ ग्रीक फिलोसफर सॉकटिस्ट अब ऐसे केस में अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो आपका हर कोई एक्शन बिलीफ डिसीजन के पीछे आपने गहराई से थरली रिगरसली थिंक किया तो आपको पता है जो कुछ भी आप कह रहे हो वो सही है तो आप डरोगे नहीं इसलिए टेल एवरी पर्सन टू प्ले द रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकर पहला डिवाइड द ग्रुप्स इन सब ग्रुप्स दूसरा फिर स्पेशल मीटिंग्स और दो पॉइंट्स चाहिए मुझे

साथ ही साथ पिन पॉइंट ऑन पर्सनैलिटी तेरे वजह से वो हुआ था इसके वजह से हुआ था इसने ऐसा किया इसलिए आज हम प्रॉब्लम में पड़े विच इज नॉट हेल्दी फॉर द ग्रुप एज लीडर इट इज योर ड्यूटी टू रिजोल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट अब कैसे रिजोल्व कर पाओगे ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को हाउ विल यू मैनेज देखो कुछ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स आइडियाज को प्रेजेंट करने को सबको कहो कि आप प्रॉब्लम पे फोकस मत करो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आप फोकस करो दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए स्टेप इंटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन तब आपकी रिजिडिटी कम हो जाएगी और आपको समझेगा हाँ भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है बट जो वो भी कह रहे हैं वो गलत नहीं है साथ ही साथ सबको इक्वली ट्रीट करो और जब दूसरा कह रहा है चुप रहो एंड लिसन विलिंगली टू व्हाट दी अदर पर्सन इज सिंग ये भी बोल रहा वो भी बोल रही दोनों भी बोल रहे कोई नहीं सुन रहा तो क्या इश्यू रिजॉल्व होने वाला है नहीं तो व्हेन वन इज स्पीकिंग द अदर शुड बी साइलेंट एंड एक्टिवली लिसन टू व्हाट दी अदर पर्सन इज सिंग कंसेंसिस बिल्डिंग मतलब ओवरवेलमिंग अग्रीमेंट जब कभी भी डिसीजन लिया जाता है डिसीजन ऐसे लो कि हंड्रेड लोग उसे हा कहें बट हर बार यूनानिमस अप्रोच आना पॉसिबल नहीं है तो तब आप क्या कर सकते हो एटलीस्ट ट्राई फॉर मेजोरिटी कैसे ये कर सकते हो इसकी मेमोरी टेक्निक बता सकते हो रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग बोलो वेरी गुड प्रॉब्लम को ध्यान से सुनने के बाद अगर आप डिसएग्री करते हो तो म्यूचुअल गेन ट्रांसपेरेंट रहे प्रॉब्लम इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन ध्यान से सुनना

लूज win, लूज win, lose, lose. Win, lose. जैसे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के सेवन स्टेप्स थे वैसे ही क्या नेगोशिएशन के भी सेवन स्टेप्स है yeah. हा या ना uh, बोलो फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। इसके दो गोल्स है बी क्लियर अबाउट दी ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्ट डेटा अबाउट द अदर पर्सन सेकंड, आर्ग्यूइंग थर्ड सिग्नलिंग फोर्थ प्रपोजिंग देन पैकेजिंग देन बारगेनिंग एंड लास्ट इज क्लोजिंग एंड अग्रीन और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लुएंसिंग एंड परजुएशन क्या दोनों सेम है या अलग अलग है सेम या अलग अलग बोलो अच्छा विच इज मोर जेंटल परसुएशन इज मोर जेंटल विच इज मोर हार्श इन्फ्लुएंस कहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है इन नहीं परेशन गलत जवाब बोलो परजुएशन में सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इन्फ्लुएंसिंग में डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग और हार्श है परजुएशन बहुत जेंटल है इन्फ्लुएंसिंग तीन तरीके के से किया जा सकता है ब्राइप इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड थ्रेटनिंग हाँ या ना सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर थ्री कम्युनिकेशन एथिक्स चैप्टर नंबर फोर ये चैप्टर कहता है सिर्फ बिहेवियर में नहीं आपका कम्युनिकेशन भी जो है वो एथिकल होना चाहिए तब सवाल ये उठता है कि कम माना जाएगा दैट यू आर एन एथिकल कम्युनिकेटर पहला पॉइंट कहता है यू हैव सेड एवरीथिंग दैट यू शुड से इट इंक्लूड्स ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ कहा है वो सच है सच के अलावा कुछ नहीं है एक्यूरेट है मतलब ही एग्जेजरेटेड नहीं है एक की दो बातें नहीं की है साथ ही साथ आप जो हो आपने सही को सही मतलब वेदर द इंफॉर्मेशन इज गुड बैड और अगली यू हैव प्रेजेंटेड इट इन द वे इट इज़ एक्चुअली सपोज टू बी कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव एटीट्यूड के पीछे छुपाने की कोशिश आपने नहीं की है अगर कोई डेटा है कोई ट्रेंड्स है कुछ फिगर्स है तो ये डेटा आपने सही तरह से पोर्ट्रे किया है तब माना जाएगा कि आप एक एथिकल कम्युनिकेटर हो अब कभी कभार क्या होता है भले ही आपने हर इन्फॉर्मेशन दी सच्ची इन्फॉर्मेशन दी एक्यूरेटली दी एग्जैजेशन नहीं किया डेटा भी सही से प्रेजेंट किया फिर भी माना जाता है कि आप अनएथिकल कम्युनिकेटर हो ऐसा क्यों क्योंकि देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट योर एथिकल कम्युनिकेशन पहला फैक्टर इज योर चॉइस तीन चॉइसेस होती है टू स्पीक टू लिसन और टू रिमेन साइलेंट सही वक्त पे सही डिसीजन लेना सही है ऑफ दीस थ्री पर्टिकुलर ऑप्शन अगर गलत डिसीजन ले लिया तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एथिकल कम्युनिकेशन होने के बावजूद आपको अनएथिकल माना जाएगा और दूसरा पॉइंट कहता है टू होम वॉट वैन एंड वेयर आर यू कम्युनिकेटिंग किसे इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कब इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कहाँ इन्फॉर्मेशन बता रहे हो और क्यों ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हो ये फैक्टर्स से भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुन्स होता है कभी कभार बातें सही तो कही है बट गलत पर्सन को कही है या गलत जगह पर कही है तो ऐसे केस में भले ही कम्युनिकेशन आपका सही था बट फिर भी यू विल बी रिगार्डेड एज एन अन एथिकल कम्युनिकेटर एज अ पर्सन इन द बिजनेस वर्ल्ड आप बहुत सारे डायलिमा फेस करोगे डायलिमा मतलब कन्फ्यूजन आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है एंड दिस डायलिमा दिस कन्फ्यूजन इज रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का डायलिमा है ये जैसे कि फर्स्ट सीक्रेसी एक बहुत ही फेमस दुकान है पुणे में चितले बंधु भाकरवड़ी चितले बंधु मिठाई वाले जिसकी बहुत फेमस भाकरवड़ी है अब सपोज आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हो और आपको पता है वो सीक्रेट फॉर्मूला भाकरवड़ी बनाने का अब चितले के कॉम्पिटिटर्स है काका हलवाई उसका कोई एम्प्लॉई आपके पास आता है और कहता है कि हे मिस्टर अगर आप मुझे ये सीक्रेट फॉर्मूला बता देते हो हम आपको पांच 500 लाख रुपए देंगे मतलब 5 करोड़ रुपीस जो है वो देंगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है डायलिमा है कहेंगे तो पैसे मिलेंगे बट अगर कहेंगे तो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन दूसरी तरफ है वी विल बी लॉयल टूवर्ड्स आर ऑर्गेनाइजेशन बट बुरी बात ये होगी कि घर आए लक्ष्मी को हम मना कर रहे मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ बुरा कुछ अच्छा ये क्या है एक डायलेमा है ना यही डायलेमा किसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को कितना आप मेंटेन कर पाते हो या मेंटेन नहीं कर पाते हो क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन पे बेस्ड है इसे कहते हैं एक कम्युनिकेशन का डायलेमा दूसरा डायलेमा है विसिल ब्लोइंग यहाँ पे क्या हो रहा है अ पर्सन गोज टू पब्लिक एंड ही स्पीक्स अबाउट द कॉरपोरेट अब्यूज एंड कॉरपोरेट नेग्लिजेंस

अब देखो विसिल ब्लोइंग में इंफॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होती है बट लीक्स में इंफॉर्मेशन कुड बी गुड ऑल्सो एंड इट कुड बी बैड ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज बैड नेक्स्ट रूमर्स एंड गॉसिप्स क्या दोनों सेम है नहीं देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूमर्स एंड गॉसिप्स वी गॉसिप अबाउट पीपल एंड देर आर रूमर्स अबाउट इवेंट्स क्योंकि रूमर्स और गॉसिप्स भी आपके बोलने या ना बोलने पर डिपेंडेंट है इट इज अ कम्युनिकेशन डायलेमा नेक्स्ट इज लाइंग लाई मतलब आप जानते हो आप एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो वो भी इंटेंशनली मतलब आप जानते हो कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो झूठ है फिर भी आप झूठी बातें बोल रहे हो क्योंकि शायद हो सकता है झूठ बोलने से आपको फायदा हो रहा है तो एक साइड पे झूठ बोलो और फायदा कर लो अच्छी बात फायदा हो रहा है बुरी बात आप झूठे निकले आपने किसी को डिसीव किया है चीट किया है दूसरे साइड पे। अच्छी बात कि आपने किसी को डिसीव नहीं किया बट बुरी बात कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या कन्फ्यूजन है यहाँ पे? यस yes. और ये कन्फ्यूजन आपके बोलने पे या ना बोलने पे डिपेंडेंट है इसीलिए ये एक कम्युनिकेशन डायलिमा है हाँ या ना और यही रूमर्स और गॉसिप्स और लाइन के ऊपर मई 2015 में शॉर्ट नोट पूछा गया था दो दो मार्क के लिए मतलब टोटली चार मार्क का ये सवाल था कि एथिकल डायलिमा जो है इन कम्युनिकेशन एक्सप्लेन रूमर्स एंड गॉसिप्स एंड लाइंग नेक्स्ट यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच भी है यूफेमिज्म आप लोग जानते हो हो स्कूल में आपने पढ़ा है है पे क्या हो रहा यू आर यस अ हार्श थिंग इन अ प्लेजेंट वे अब ये क्यों गलत है ये गलत इसीलिए है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू हाइड द रियल फैक्ट एंड दैट इज वाई इट इज रॉन्ग एम्बिग्यूटी मतलब जानबूझ के ऐसे शब्द या ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हो जो क्लियर नहीं है और बहुत सारे तरीके से interpret किया जा सकता है इन शब्दों को क्यों क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो आप उन्हें ये नहीं बताना चाहते हो कि आपके मन में असलियत में क्या है क्योंकि ये गलत है ये एक dilemma है इन्हीं dilemmas को resolve करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं और ये गाइडलाइंस के दो कैटेगरीज हैं लीगल कंसिडरेशन एंड मॉरल कंसिडरेशन अगर लॉ में कुछ स्पेसिफिकली लिखा है कि ये सही है ये गलत है डायलमा रहेगा ही नहीं क्योंकि अगर कुछ गलत है वो करना ही नहीं है हमें तो सिर्फ सही करना है बट कानून हर वो कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकता है तब हमारे सोसाइटी ने जो मॉरल्स लेडाउन किए आपको उन्हें ध्यान में रखते हुए आपकी सिचुएशन का सल्यूशन निकालना होगा तो बहुत सारे मॉरल्स है जैसे कि पहला मेंटेन कैंड्योर कैंडियोर मतलब ट्रूथफुलनेस ऑनेस्टी यू हैव टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू बी फ्रैंक इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेव नेक्स्ट एक्यूरेट, जैसा मैसेज आया है वैसा ही मैसेज पास ऑन करना होगा अवॉइड डिसेप्शन डिसीव किसी को नहीं करना है भले ही इससे फायदा क्यों ना हो बट किसी को चीट नहीं करना है किसी को धोखा नहीं देना है किसी को डिसीव हमें नहीं करना है बिहेव कंसिस्टेंटली जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो बोथ शुड बी मैचिंग विथ ईच अदर कह रहे कुछ हो और कर रहे कुछ हो ये गलत है और आप जानते हो अगर वो गलत है वो करना ही नहीं है तो क्या करना है सही करना है और अब एक बार सही और गलत पता चल गया तो डायलेमा रहेगा ही नहीं विल बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द डायलेमा कीप कॉन्फिडेंसीज सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में अगर पता चला है कीप योर माउथ शट ये बात समझो अगर किसी ने कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा आपको कहा है मतलब कितना भरोसा वह आप पे करता है एंड इफ यू लीक दिस इंफॉर्मेशन यू आर मैनिपुलेटिंग यू आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन विच इज मॉरली इन करेक्ट इन टाइमलीनेस सही समय पे सही पर्सन को इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए एंड लास्ट इज कन्फ्रंट अनएथिकल बिहेवियर गलत करना या कहना तो गलत है ही बट गलत सहना उससे भी ज्यादा गलत है यही लास्ट वाला पॉइंट कहता है तो दीज आर द मॉरल कंसिडरेशन एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ डिरेक्ट थियोरी क्वेश्चन वट आर द एडवांटेजेस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन मेरी क्लास में मैंने सत्यम का एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस किया था और फिर ये पॉइंट एक्सप्लेन किए थे कम्युनिकेशन में भी अगर आप एथिकल हो तो चार एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं पहले यू विल बी एबल क्या आप लॉन्ग रन में सर्वाइव और ग्रो कर पाओगे आपकी कॉरपोरेट इमेज बनेगी या बिगड़ेगी शेयर होल्डर की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट हो गए वो अच्छे हो गए या खराब हो गए अच्छा, तो यही सारे चार एडवांटेजेस है ऑफ बीइंग एथिकल इन योर कम्युनिकेशन है ना एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट थ्योरी चैप्टर विच इज कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट कल्चर चेंज एंड इनोवेटिव स्पिरिट्स इस चैप्टर तक आते आते स्टूडेंट्स अपना होश खो देते हैं और इंस्टीट्यूट भी चीज को जानता है इसलिए पिछले चार अटेम्प्ट लगा से लगातार इंस्टीट्यूट कम के ऊपर चार मार्क का एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है कॉर्पोरेट कल्चर तीन एलिमेंट्स है ये चैप्टर के एक कॉर्पोरेट कल्चर है एक चेंज है और एक इनोवेटिव स्पिरिट है पहला जो है कॉरपोरेट कल्चर बेसिकली कॉरपोरेट कल्चर इज द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट टेल्स आस हाउ थिंग्स आर बींग डन इन दर्गेनाइजेशन यही कल्चर स्ट्रांग भी हो सकता है और यही कल्चर वीक भी हो सकता है स्ट्रांग कम माना जाएगा आपका कल्चर जब मैनेजर की थिंकिंग एंप्लॉइज की थिंकिंग से मतलब ही रेजिस्टेंस कम है कॉरपोरेट कल्चर स्ट्रांग है और कब कल्चर वीक है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है कॉरपोरेट कल्चर वीक है और ये रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग इज नॉट मैचिंग विद द थिंकिंग ऑफ द एम्प्लॉयज बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स से बनता है हमारा ये कॉरपोरेट कल्चर अगर मेरी टेक्स्ट बुक देखते हो पेज 145 पे उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो दिए गए हैं इसकी एक मेमोरी टेक्निक भी मैंने क्लास में डिस्कस की थी मे 2014 के अटेम्प्ट में एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट कल्चर आप मेमोरी टेक्निक बता सकते हो आर एस एस हैज कंट्रोल एंड पावर ऑन द स्ट्रक्चर एंड पैराडाइम ऑफ बी जे पी से बोलो तो आर एस एस हैज कंट्रोल एंड पावर ऑन द स्ट्रक्चर एंड पैराडिम ऑफ बी जे पी आर इज फॉर Rituals. S is for stories. S is for symbols. Control for control. Power for power. Structure for structure. And paradigm for paradigm. Last time, tell me what are the elements of corporate culture. Bolo. RSS has control and power on the structure and paradigm of BJP. R is for. रिचुअल्स एस इज़ फॉर सिम्बल्स एस इज़ फॉर स्टोरीज कंट्रोल फॉर कंट्रोल पावर फॉर पावर स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर एंड पैराडिम फॉर पैराडिम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का वो है चेंज अब जब कभी भी मैं चेंज के बारे में बात करी मैं छोटे मोटे चेंजेस के बारे में बात नहीं करी कि कंपनी के प्रोडक्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया है ऐसी कोई छोटे मोटे प्राइस चेंज हो गया है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ जो चेंज की मैं बात कर रही हूं इट इज अ रेडिकल चेंज इट इज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे थिंग्स आर बींग डन इन ऑर्गेनाइजेशन अब आप खुद मुझे बताओ अगर इतना मैक्रो लेवल का चेंज हो रहा है क्या ऑब्वियसली बात होगी दैट देसो बी रेजिस्टेंस हा है ना दे विल बी रेजिस्टेंस इसी के ऊपर सवाल पूछा था देखो यही मेरी बुक में ये जो आपको दिख रहा ना? है ना वाई इज ऑर्गेनाइजेशन वाइट चेंज डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश क्यू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट टू चेंज तीन कारण है पर्सनली दे आर लूजिंग समथिंग पर्सनल लेवल पे दूसरा है अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल और तीसरा है मिसल पॉइंट आप मुझे कह सकते हो क्यों कोई पर्सन चेंज को रेजिस्ट करेगा ओके ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली गोइंग टू हैपन आफ्टर द चेंज सो ही इज रेजिस्टिंग वेरी गुड और उसे लग रहा है कि उसका जॉब चले जाएगा से सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाएगा तो उसकी कोई कदर नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं है और वो नहीं चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जाए ही इज हैविंग अ थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज जॉब सो दैट इज़ वाई ही इज रेजिस्टिंग अच्छा उसकी पोजिशन जो है शायद से कम या ज़्यादा हो रही है ज़्यादा होगी तो हाँ बोलेगा कम हो रही है मे बी इसे टैली टू ई स्विच कर रहे हैं एंड ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर्स तो उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी पहले उसको इज्जत मिलती थी अच्छा कॉन्फिडेंस लो है से अच्छा फाइन पॉइंट्स में ही हर्ड अबाउट द चेंज फ्रॉम एन आउटसाइडर तो उसका दिल दुख गया कि इंटरनल होने के बावजूद टू ऑर्गेनाइजेशन आई केम टू नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन आउटसाइडर सो ही इज नॉट फीलिंग गुड और अच्छा ही इज है टू दैट पर्टिकुलर वर्क पच्चीस सालों से उसी कंप्यूटर पर उसी तरीके से उसने काम किया है अब जाके अगर आप बोल रहे हो कि नए तरीके सीखो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी विलिंग टू बिकॉज योर माइंड एज नाउ बिकम रिजिड उसे लग रहा है इतना इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएगा सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं उसे लगता है उसका फ्रीडम छीना जा रहा है उसकी अथॉरिटी छीनी जा रही है यही वो सारे का ही डिसरिस्पेक्ट द बॉस ही वॉज नॉट playing an active role when the change was being carried out or it was discussed about samajh rahe ho yahi sare karan hai why a person might resist to change वैसे खैर पिछले टर्म में पूछा था तो इस टर्म में प्रोबेबिलिटी कम है बट हाँ इसका जवाब मुझे जवाब अच्छे से दो आप why would a person accept a change personal benefit जैसे कि क्या personal benefit position बढ़ रही है, authority बढ़ रही है। चेंज खुद उसने लीड किया है हाँ स्टेटस बढ़िया हो रही है पैसे ज्यादा मिल रहे हैं हाँ बेटर वर्किंग कंडीशन इज गेटिंग अच्छा ही वॉज पर्सनली कम्युनिकेटेड अबाउट द चेंज सो ही फेल्ट गुड ही रिस्पेक्ट हिज़ बॉस और अच्छा वही काम कम समय में हो रहा है और कम एफर्ट्स में हो रहा है बोर्डम रिड्यूस हो रहा है वो खुद चाहता है कि वो नई नई चीजें सीखे हाँ या ना मतलब वो बदलते वक्त के साथ बदलना चाहता है उसकी खुद की चाहत है तो वो क्यों रेजिस्ट करेगा ना ही एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर चेंज ओके प्योर प्रेशर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसका खुद का प्रोफाइल भी तो इंप्रूव हो रहा है ना हाँ है ना तो यही सारे कारण है वाई अ पर्सन माइट एक्सेप्ट अ चेंज माई डियर फ्रेंड्स कम्युनिकेशन और चेंज का आपस में बहुत गहरा संबंध है क्यों क्योंकि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग चेंज क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अनसर्टेंटी रहती है कि आगे होने क्या वाला है तो एज अ लीडर इट इज़ योर ड्यूटी टू यू नो क्लैरिफाई द थॉट्स इन दीज इन द माइंड ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ आपको सही तरीके से सही पर्सन को सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन बतानी होगी चार एलिमेंट्स है हुम वॉट वेन हाउ कब कहां किसे और क्या आपको बोलना है इन चीजों के बारे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जैसे कि पहला टू हुम टू हुम शुड यू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज टू हुम अगर डायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है तो आप कम्युनिकेशन अभी कर लोगे चेंज के बारे में बट इफ इज गेटिंग इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर चेंज यू माइट कम्युनिकेट दिस इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन ऑल्सो वॉट आर यू सपोज टू कम्युनिकेट नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू चेंज बट ऑल्सो योर फीलिंग्स एंड योर फियर्स यस साथ ही साथ वेन आर यू सपोज टू कम्युनिकेट मुझे बोलो ड्यूरिंग बिफोर और आफ्टर Yes, throughout the process, you are supposed to communicate, even before, even during, and even after. And how will you communicate? Obviously, not non verbally. It will always be a verbal in nature. Verbal may be optional two options oral, not written. According to the facts and circumstances of every situation, you could decide whether you verbal oral form or written form. Lena hai. And the last concept talks about innovation. क्या इनोवेटिव होना जरूरी है अगर आप इनोवेटिव नहीं होते हो क्या आपको मार्केट से बाहर निकाला जाएगा yes. बोलो yes. ये पॉइंट्स एक बार आप पढ़ लो आई डोंट नो हाउ मच आई रिमेंबर और नो क्योंकि इसकी कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है मेरे पास yes. सिर्फ दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना देखो एक है वट आर द की एलिमेंट्स की एलिमेंट्स आर द की एलिमेंट्स नवंबर 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन वट आर द की एलिमेंट्स इन इनोवेशन फ्रेमवर्क की एलिमेंट्स अगर आप पूछा तो ये सारे पॉइंट्स दोगे एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए रिवॉर्ड और रिक्नाइज करो डेवलप कंपनी दैट एनकरेज इनोवेशन फॉस्टर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनो इंफॉर्मेशन का बैलेंस रखिए एक फ्रेमवर्क बनाइए साथ ही साथ एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कीजिए और देखो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना जी वाला पॉइंट देखो वापस से मैं कह रही हूं सुनो मेरी बात इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो एक तो सवाल जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो है की एलिमेंट्स की एलिमेंट्स की एलिमेंट्स की एलिमेंट्स के ऊपर अगर सवाल पूछा है ए टू जी पॉइंट आप लिखोगे बट कभी कभार इंस्टीट्यूट पूछ सकता है हाउ कैन यू अ सस्टेनेबल इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर हाउ कैन यू बिल्ड अ सस्टेनेबल इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सवाल पूछा है यू विल ओनली राइट डाउन पॉइंट नंबर जी पॉइंट नंबर जी इज द बेस फॉर पॉइंट नंबर ए टू एफ जहाँ पे लिखा है विजन स्ट्रेटजी में होना चाहिए इनोवेशन के बारे में आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए जो इनोवेशन को सपोर्ट करे आपका प्रोसेस प्रैक्टिस और सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए इनोवेशन को टॉप मैनेजर्स लीड करने चाहिए क्रॉस फंक्शनल टीम शुड मैप इनोवेशन एम्प्लॉयज शुड भी गिवन द पावर टू एक्सप्रेस देयर इनोवेटिव आइडियाज और पॉलिटिक्स कम से कम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए पॉलिटिक्स मतलब ब्यूरोक्रेसी कम से कम होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में तब आप एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना पाओगे सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ये प्लीज चैप्टर नंबर फाइव को आप अच्छे से करना आप बहुत वीक हो चैप्टर नंबर फाइव में चैप्टर नंबर फाइव के ऊपर सवाल पूछता है यहां इंस्टीट्यूट क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है आप यही चैप्टर नहीं करते हो आ जाओ तो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट

अब तो सुधर जाओ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने इस एक्ट में देखे नेम ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स बोलो प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक अब एक एक करके सारे देख रहे मुझे जवाब देना प्लीज प्रोमिसरी नोट में मुझे बताओ सबसे पहली बात क्या प्रोमिस का होना जरूरी है सिर्फ मियर अक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट से क्या प्रोमिसरी नोट बन सकती है तो क्या प्रोमिस कंपल्सरी होनी ही होनी है कितने पार्टीज होते हैं प्रोमिसरी नोट में कौन है ये? एंड मेकर और पेई उन्हें कहते हैं लीगली मुझे बताओ कौन प्रॉमिस दे रहा है प्रोमिस और किसे प्रॉमिस दी जा रही है प्रोमिसरी नोट में कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या पैसा ही होना है शुड इट ओनली बी मनी एंड मनी ओनली ये मनी भी क्या सर्टन होना है इन नेचर yes. आपकी प्रोमिस जो है क्या अनकंडिशनल होनी है yes. अगर कंडीशनल प्रोमिस है क्या प्रोमिसरी नोट वैलिड होती है yes. क्या स्टैम्प का होना जरूरी है yes. प्रोमिस और मतलब साइंग होना क्या जरूरी है yes. अच्छा कैन अ प्रोमिसरी नोट बी टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज मनी नो इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली गुड्स हा मनी और मनी भी क्या सर्टन होना है बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते नेम द थ्री पार्टीज ड्रॉर ड्रॉई एंड पे ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करने के बाद कौन बन जाता है एक्सेप्टर बन जाता है हु इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हु गेट द पेमेंट ऑन दिस बिल ऑफ एक्सचेंज पे एंड हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छा क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है yes. जहां पर नोट में प्रोमिस होता है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है yes. फिर सेम क्या ऑर्डर अनकंडीशनल होना है yes. क्या इस बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली क्या ये मनी सर्टेन होना है yes. साथ ही साथ क्या स्टैंप का होना जरूरी है yes. मुझे बताओ जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक बैंक पे ड्रॉ करते हो इज इट कॉल्ड एज अ चेक इज अ चेक एन अग्जाम्पल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली दो चेक इज अ कैटेगरी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज स्टिल आर देर सर्टन डिफरेंसेज बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं उस पर पहले रुको पहले चेक का देखते हैं मुझे बताओ चेक की किस्में ड्रॉई कंपल्सरिली क्या बैंकर ही होती है इस बैंकर को कभी कभार क्या मैं ड्रॉर्स बैंकर भी कह सकती हूं yes. हाँ uh. पेंग बैंकर भी क्या कह सकती हूं yes. कभी कभार क्या ड्रॉई भी कह सकती हूं yes. चेक जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अलाउड है yes. अच्छा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या आप डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करते हो yes. ट्रांकेटेड चेक जो होता है इज इट बींग ट्रांकेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स क्लियरिंग ट्रांकेटेड चेक में क्या डिजिटल सिग्नेचर यूज होती है oh. क्या वहां पे चेक को फिजिकल ही साइन किया जाता है yes. अच्छा मुझे बताओ कौन सा है वो चेक ट्रांकेटेड या इलेक्ट्रॉनिक जो पैदा ही हुआ है ई e फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक चेक बट अच्छा उसमें क्या पेपर इस्तेमाल होता है बट ट्रांकेटेड चेक में क्या पेपर इस्तेमाल होता है yes. But, इट वॉज बॉर्न एज अ पेपर चेक बट ड्यूरिंग द क्लियरिंग प्रोसेस समवेयर ऑर दी अदर वॉज इट गॉट कन्वर्टेड इन टू एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज उसका डिफरेंसिएशन जो है वो मैं डिस्कस करी उसके बाद चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज पहले प्रोमिसरी नोट और बिलोफ एक्सचेंज का डिफ्रेंसिएशन देखते है. मुझे बताओ प्रोमिसरी नोट में क्या प्रोमिस है बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट के दो पार्टीज कितने पार्टीज है दो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन प्रोमिसरी नोट के दो पार्टीज का नाम प्रोमिस और बिल ऑफ एक्सचेंज के तीन पार्टीज का नाम ड्रॉर ड्रॉई एंड पे प्रोमिसरी नोट में हु इज लाइबल टू मेक द पेमेंट प्रोमिस बट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिस बिल ऑफ एक्सचेंज में हु इज लाएबल टू मेक द पेमेंट एक्सेप्टर और ड्रॉई ज प्राइमरीली लाइबल टू मेक द पेमेंट उसके बाद मुझे बताइए कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंसिएशन है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंसिएशन है पहले बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉइ क्या कोई भी पर्सन हो सकता है yes. चेक के किस में ड्रॉइ कंपल्सरली कौन होता है इट हैज टू बी अ बैंकर बैंकर मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड इट इज अ बैंकर हाँ है ना उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के में क्या ग्रेस डेज ऐड होते हैं बट yes. क्या चेक के केस में क्या ग्रेस डेज का कोई कॉन्सेप्ट है yes. नहीं अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या स्टैम्प ज़रूरी है बट yes. चेक के केस में क्या स्टैम्पिंग का कोई कॉन्सेप्ट है yes. बोलो ना अच्छा मुझे बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है बट सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है अच्छा चेक के केस में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है ड्रॉअर की या ड्रॉई की इट इज द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर बैंकर तो सिर्फ एक जरिया है ये बैंकर के पास जो पैसा है वो तो आप ही का है ना कि बैंकर का है बैंकर तो सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू ये पेमेंट जो है वो किया जा रहा है नोटिंग और प्रोटेस्टिंग किसके केस में एप्लीकेबल है बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के केस में क्रॉसिंग किसके लिए है चेक के लिए या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए चेक मुझे बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज के किस में क्या acceptance का concept है? बट yes. चेक के किस में क्या कोई acceptance का concept होता है? Yes. नहीं ऑफ एक्सचेंज एंड नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन हाँ ये इसके ऊपर चार मार्क का सवाल आया था पिछले अटैम्प में मे 2015 के अटैम्प में चार मार्क का आठ मार्क का क्वेश्चन पूछा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर चार मार्क का ये केस स्टडी था और चार मार्क का एक एंडोर्समेंट्स के ऊपर शायद एंडोर्समेंट के ऊपर सवाल था आ, तो देखो सुनो कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ पार्टी टू अगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पार्टी टू सुनो मेरी बात अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं बेनिफिट्स

हा क्यों कर पाओगे क्योंकि आर यू अ अटेड पार्टी यस सो अ माइनर इज और कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट माइनर की जो सिर्फ पोजिशन है वो ये है कि ही कैन नॉट बिकम लाइबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट बट ही कैन ऑलवेज बी अ पार्टी टू अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट तो एक्ट बेसिकली यही कहता है ओनली अ केपेबल पर्सन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीपीटी सिलेबस सेक्शन नंबर इलेवन कैपैसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्कालीफाइड बाई लॉ यही पर्सन लाइए लाइए लाएबल होते हैं ऑन अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे शब्द है एक्ट में यू कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इवन इफ यू आर नॉट कपेसिटेटेड हाउ कम यूर गेटिंग द बेनिफिट ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ना चलेगा हा या ना क्लासिफिकेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट वो नहीं करेंगे मुझे बताओ ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है प्रोमिस नोट चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज कितने डेज के ग्रेस डेज होते हैं आप लोग जानते हो अगर हमारा ड्यू डेट मेचोरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे आ रहा है मेचोरिटी डेट विल बिकम द प्रिस डे बट इफ सब्सिक्वेंटली द डे इज डिक्लेयर एज अ पब्लिक हॉलीडे द मेचोरिटी डेट विल बी द सक्सीडिंग डे ये बात आप जानते हो Yes. आपको मालूम है आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट में क्या डिफरेंस होता है आफ्टर डेट में आप मेचोरिटी कैलकुलेट करते हो फ्रॉम द द डे बिल हैज बीन ड्रॉन एंड आफ्टर साइट में आप डेट कैलकुलेट करते हो आफ्टर द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड ये सारी चीजें पता है सीपीटी में बहुत सारे एम जो है क्वेश्चन जो है आपने इसके ऊपर सॉल्व किए इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे नेक्स्ट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन आखिरी मौका है आप लोगों को नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को वापस से रिफर करने का इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को सो प्लीज पे फुल अटेंशन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स मेड विदाउट विदाउटरेशन आप लोग जानते हो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इफ इट इज लैकिंग वन ऑफ द दशियल एलिमेंट्स एंड दैट इज कंसिडरेशन सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो अप्लाइज टू द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी ये जो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट आप दे रहे हो इट शुड बी इन रिटर्न ऑफ समथिंग दैट यू हैव गॉट और अगर ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है विदाउट कंसिडरेशन दिस इंस्ट्रूमेंट विल नॉट होल्ड गुड मतलब यू कैन नॉट मेक एनी पार्टी लाएबल ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज मेड जस्ट फॉर अकोमोडेशन जस्ट फॉर अकोमोडेशन मतलब इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन बट हां एक कॉन्सेप्ट अब मैं आपको कुछ देर बाद ही बताने वाली हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर कहीं ये इंस्ट्रूमेंट बना है विदाउट कंसिडरेशन बट एंडोर्स होते 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 किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आया है होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर फॉर वैल्यू तो होता ही है मतलब ही इज एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू माई डियर फ्रेंड्स ही कैन एनफोर्स दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और वो भी ही कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट एनी प्रायर पार्टी ही वॉन्ट्स टू आप लोग जानते हो सीपीटी में आपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है no right दुनिया अपनी ही दुनिया होती है ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है पर्टिकुलर थिंग कुड बी रिटन पर्टिकुलर एक्ट बट समथिंग डिफरेंट कुड बी रिटन इन डिफरेंट एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कहता है पावर देता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को चाहे आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता कोई भी प्रायर पार्टी के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो तो कौन सी प्रायर पार्टी के पास आप जाओगे जो सबसे ज्यादा कैपेसिटेटेड है वो इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करने के लिए नेक्स्ट कभी कभार हो सकता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि इंस्ट्रूमेंट के कुछ अमाउंट के लिए कंसिडरेशन प्रेजेंट था और कुछ अमाउंट के लिए कंसिडरेशन एब्सेंट था जैसे कि दस हजार का बिल था सात हजार के लिए कंसिडरेशन प्रेजेंट था तीन हजार वॉज जस्ट फॉर अकोमोडेशन अब ऐसे केस में हम ये बिल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कंसिडरेशन प्रेजेंट एंड कंसिडरेशन एबसेंट जितना कंसिडरेशन प्रेजेंट है उतने तक के लिए आप लीगली पैसे रिकवर कर पाओगे बट जितने के लिए कंसिडरेशन एब्सेंट है वी आर वेरी सॉरी लीगली यू हैव नो एक्शन टू रिकवर दैट अमाउंट फॉर विच कंसिडरेशन इज फेलिंग हाँ या ना सी पी टी का जनरल रूल आप लोग जानते हो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पैसा मिल ही नहीं सकता इफ देर इज नथिंग दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन क्या है ना समथिंग इन रिटर्न वो होना जरूरी है तो फेलियर ऑफ पार्ट कंसिडरेशन भी हो गया हमारा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनकोहेट मतलब क्या इनकंप्लीट इंस्ट्रूमेंट अब ये जो इनकंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है इधर इट कुड बी होल्ली ब्लैंक और इट कुड बी पार्शियली ब्लैंक कभी कभार क्या होता है एक पेपर लेती हूँ, उस पर स्टैंप लगवा देती हूँ, मैं साइन कर देती हूँ और आपको दे देती हूँ। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज होली ब्लैंक कभी कभार मैं क्या कर सकती हूँ? चेक पे नाम लिख दिया डेट लिख दी साइन भी कर दिया बट सिर्फ अमाउंट नहीं लिखा है पार्शली इट इज ब्लैंक बट स्टिल इट इज ब्लैंक बिकॉज इट इज स्टिल ब्लैंक दो इट इज पार्शली ब्लैंक इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट जब कभी भी आप कोई इनकोट इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करते हो यू गिव द अदर पार्टी अ राइट टू मेक दिस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीट मतलब अब उसके पास राइट आ जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट को कम्प्लीट करना का और इस इंस्ट्रूमेंट को एनफोर्स करने का बट एक बात सुनो जो आपका इंटेंशन था इंस्ट्रूमेंट बनाने का बस उतना ही अमाउंट रिकवर किया जा सकता है से आपने मुझे मेरी क्लासेस के लिए एक चेक दिया बट मेरी फीस डिसाइडेड नहीं हुई है तो आपने अमाउंट ब्लैंक रखा है से मेरी फीस बाद में डिसाइड होती है सिक्स थाउजेंड रुपीज़ बट मैं क्या करती हूँ आई अ मिशिफ मैं लिख देती हूँ टेन थाउजेंड रुपीज़

that shopkeeper will be able to recover the whole ten thousand rupees. आप उसको ten thousand दे दोगे, but आप मुझसे चार हजार रुपए जो है वो recover कर लोगे। तो आपकी position सही, मेरी position सही और वो shopkeeper की position भी सही हो जाएगी। So this is all about incoherent instrument. खैर check में तो stamp नहीं होता है, but bill of exchange और promissory note में check होता है, stamp होता है। तो भी suppose यहां का लॉ है हर हंड्रेड रुपीज में एक रुपया का स्टैंप और मैंने सौ रुपए का स्टैंप लगवाया है तो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा रिकवर हो सकता है कितना टेन थाउजेंड रुपीज ना अगर इंस्ट्रूमेंट में मैं बीस हजार रुपए लिख लूंगी क्या बीस हजार रुपये मुझे मिल जाएंगे नहीं फिर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आई एम नेग्लिजेंट So that is why I will not be able to recover 20,000. I will only be able to recover the amount covered by the stamp, and that is rupees 10,000. Next, kinds of endorsement. Endorsement matlap kya Bolo endorsement endorse karna kya? transfer karna. क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग यहाँ पे एक राइट right ट्रांसफर कर रहे हो राइट ऑफ व्हाट कलेक्टिंग मनी ऑन दैट पर्टिकुलर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट यही एंडोर्समेंट जो है इट हैज़ टू बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड ओरल एंडोर्समेंट इज नॉट अलाउड इट हैज टू कंपल्सरली बी इन राइटिंग एंड इट हैज टू बी साइंड बाय द ट्रांसफर हा या ना अब देखो बहुत सारे टाइप्स है एंडोर्समेंट के सबसे पहला है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कभी कभार उसको कहते हैं जनरल एंडोर्समेंट यहां पे क्या हो रहा है आप इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर रहे हो बट यू आर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी एंडोर्सी मतलब ट्रांसफरी ऐसे एंडोर्समेंट को कहते हैं एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक नेक्स्ट इज स्पेशल एंडोर्समेंट कभी उसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल यहां पे आप एंडोरसी का नाम स्पेसिफाई करते हो तो जो भी एंडोर्समेंट में आपने एंडोर्सी का नाम स्पेसिफाई किया है ऐसे एंडोर्समेंट को कहते हैं एंड एंडोर्समेंट इन फुल थर्ड टाइप इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जहां पे यू आर एडिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्दर नेगोशिएटिंग द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जैसे कि अकाउंट पे चेक्स वुड बी अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव एंड पार्शियल एंडोर्समेंट खैर इंडिया में पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड बट मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ डिस्कस करवा लेती हूँ आपसे पार्शियल एंडोर्समेंट में क्या होता है यू आर ट्रांसफरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट अलाउड बट थली बिकॉज इट इज देर इन द एक्ट आई एम ऑल्सो कवरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज कंडीशनल एंडोर्समेंट इसी के ऊपर मेरे 2015 में एक सवाल आया था सैंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट सैंस मतलब विदाउट रिकॉर्स मींस हेल्प any endorsement which is made without any help is known as a sans recourse endorsement. basically, the endorser, the transferor is reliving himself from any liability on that particular instrument. such an endorsement is known as a sans recourse endorsement. facultative endorsement may apply right wave of kar hai, ki the right to receive the notice of dishonor. ऐसे एंडोर्समेंट को कहते हैं अ फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट एंड लास्ट इज अ अंटिजेंट एंडोर्समेंट सुनो मेरी बात वापस से डोंट गेट कन्फ्यूज तीन चीजें आपका बिल जब बना है ऑर्डर अनकंडीशनल होनी चाहिए प्रोमिसरी नोट जब बनी है प्रोमिस अनकंडीशनल होना है बट एंडोर्समेंट कॉन्टिजेंट हो सकता है इन नेचर एक्सेप्टेंस भी क्वालिफाइड हो सकता है इन नेचर मेन इवेंट जो है वो अनकंडीशन होना है अब यहां पे जैसे कि आई कैन गिव यू अ चेक ऑफ आई कैन गिव यू अ प्रोमिसरी नोट सेइंग दैट आई टू पे से थाउजेंड रुपीज ऑन द डेथ ऑफ योर अंकल अब देखो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आपके अंकल जो है आज ही या अभी गुजर जाएंगे जब होगा तब ये चीज जो है मैं आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज दूंगी सो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ फ्यूचर इवेंट विच इज अनसर्टेन सर्टन इन द सेंस द टाइम इज नॉट सर्टेन गेटिंग इट माई डिफरेंस तो ये एंडोर्समेंट वैलिड है नेक्स्ट नेगोसिएशन बैक क्या होता है नेगोसिएशन बैक इफ अ पर्सन हैज एंडोर्स्ड अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट

और पे ही कौन है बी मतलब किसको किसे पैसे देने आप बोलो बी को ए को देने A को बी को देने भगवान वाला ए इज द प्रोमिस एंड बी इज द प्रोमिस कौन किसे पैसे देने वाला है ए को बी को पैसे देने हैं बी ने एंडोर्स किया सी को सी ने डी को डी ने ई e को ई e ने A को अब सुनो 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 e ई और ए का अगर देखते हैं, ई e ने इंडोर्स किया है ए को मतलब ई e को क्या ए को पैसे देने हैं हाँ या ना मतलब ए को क्या पैसे लेने हैं ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट बट जब ए प्रोमिसरी नोट देखता है वो तो ये देख रहा है कि मेकर तो वो खुद है मतलब एक साइड से पैसे देने हैं और दूसरे साइड से पैसे लेने हैं हाँ या ना अब ऐसे केस में इसी को कहते हैं नेगोशिएशन बैक यहां पे अगर नेगोशिएशन बैक कंप्लीट सर्कल का हुआ है ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्चार्ज बेसिकली उससे बेहतर ये होगा कहने के लिए कि इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाता है नॉट अ पार्टी द इंस्ट्रूमेंट ओनली गेट डिस्चार्ज But दूसरा एग्जाम्पल ए ने बी को बिल दिया बी ने सी को दिया सी ने डी को डी ने ई e को ई e ने एफ को और एफ ने सी को तब कौन डिस्चार्ज होगा बोलो yeah. कौन डिस्चार्ज होगा वेरी गुड डी ई एंड एफ विल बी डिस्चार्ज बाकी सारे भी लोग लाएबल रहेगे आप खुद देखो डी और ई e के बीच में क्या हुआ है ऐसा मैं लिखती हूँ। ए बी सी डी ई एफ सी ऐसा ही हुआ है ना हा है ना अब ये सी और ये सी एक ही है अब देखो क्या हुआ है सुनो सुनो, सुनो। सपोज डिसऑनर हो जाता है ये प्रोमिसरी नोट सुन रहे हो क्या अब क्या होगा एफ कहता है नोट प्रोमिसनर हो गया है सी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एनी प्रायर पार्टी हा है ना एफ इज फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सी क्योंकि सी इज अ प्रायर पार्टी तो सी बोलता है रुक बेटा तू मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है मेरे लिए तो तू भी प्रायर पार्टी है सी विल फाइल अ केस अगेंस्ट एफ ऐसे करके ये चक्रव्यू ऐसा है कि हर कोई पर्सन हर दूसरे पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसलिए हमने कह दिया ऐसा अगर होता है इंटरमीडिएटरी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएगी सी बी एंड ए विल स्टिल बी लायबल ऐसा इफेक्ट होता है नेगोशिएशन बैक का ठीक है नेक्स्ट होल्डर होल्डर फॉर वैल्यू एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट होल्डर होल्डर फॉर वैल्यू एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर बनने के लिए चार चीजों को आपको फुलफिल करना होता है क्या तुम्हें याद है पहली बात तो क्या नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट का आपके पास पोजेशन होना है आप होल्डर होना होल्डर होल्डर उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होल्ड करना पड़ेगा तो क्या इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होना जरूरी है पोजेशन तो जरूरी है प्लस यू शुड आल्सो बी एंटाइटल्ड टू हैव दैट पोजेशन दैट टू इन योर ओन नेम और साथ ही साथ यू शुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब माना जाएगा आप होल्डर हो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपके बर्थडे के दिन पे मैंने आपको दस हजार रुपए का चेक दिया क्या आप होल्डर yes. हो या ना yes. क्या पोजेशन है आपके पास आई यू एंटाइटल टू द पोजेशन आई यू एंटाइटल टू द पोजेशन इन योर ओन नेम एंड कैन यू रिकवर दैट अमाउंट तो क्या आप होल्डर हो बट क्या आप होल्डर फॉर वैल्यू हो हाँ या ना जब मैंने आपको चेक गिफ्ट किया है गिफ्ट समझता है क्या आप होल्डर फॉर वैल्यू कहलाओ जाओगे यू आर नॉट अ होल्डर फॉर वैल्यू वाई नॉट क्योंकि यहां पे क्या कंसिडरेशन प्रेजेंट है नहीं तो होल्डर फॉर वैल्यू बनने के लिए यू शुड बी अ होल्डर फॉर कंसिडरेशन और होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए सबसे पहली बात होल्डर तो बनना ही होगा होल्डर फॉर वैल्यू भी बनना होगा प्लस यू शुड एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोमिस नोट और चेक बिफोर मेचोरिटी एंड लास्टली इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस जैसे ही इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आता है क्या सारे के सारे पाप धुल जाते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट क्लीन और क्लियर होने हो जाता है क्या वो सोने जैसे चमकने लग जाता है इट स्टार्ट शाइनिंग लाइक गोल्ड शाइन राइम्स विद नाइन सेक्शन नंबर नाइन टॉक्स अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स हाँ या ना तो अगर चार्ट चार्ट नहीं अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करना है तो बात कुछ ऐसी होगी देखो सबसे पहले क्या होगा नहीं बाहर वाले सर्कल में होल्डर फिर यहां पे होल्डर फॉर वैल्यू और यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या मैं ये कह सकती हूं एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर बट एवरी होल्डर मे और मे नॉट बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स सही या गलत yes. एकदम सही होगा हाँ या ना ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि देर आर वेरियस प्रिविलेजेस दैट आर बीन गिवन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स चाहे इंस्ट्रूमेंट में कंसीडरेशन एबसेंट है चाहे फॉर्जरी हुई है चाहे कोई डिफेक्ट है चाहे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट किया गया है या चाहे कोई भी डिफेक्ट फिक्टिशियस ड्रॉअर है, है फर्क नहीं पड़ता माई डियर फ्रेंड्स एवरी डिफेक्ट हर कोई पाप क्लीन हो जाएगा क्लियर हो जाएगा जब ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आ जाएगा हाँ या ना yes. बोलो यस yes. तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू होल्डर होल्डर फॉर वैल्यू एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स नेक्स्ट क्रॉसिंग क्रॉसिंग के कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे हो क्रॉसिंग पहली बार तो मुझे बताओ क्या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए रेलिवेंट है प्रोमिस no. नोट no. एक ही के लिए किसके लिए चेक यहां पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू अ बैंकर द पेमेंट शेड नॉट बी मेड अक्रॉस द काउंटर इट इज टू बी मेड ओनली इट इज नॉट टू बी मेड अक्रॉस द काउंटर ये इंफॉर्मेशन जो है क्रॉसिंग के तहत हमें मिलती है क्रॉसिंग दो तरीके से हो सकता है कौन से है यह दो तरीके जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग केस में मुझे बताइए यहां पर पेमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या बैंकर को दिया जाएगा yes. ये बैंकर क्या कोई भी बैंकर हो सकता है बट स्पेशल क्रॉसिंग में जो बैंक का नाम आपने स्पेसिफाई किया है क्या उसी स्पेसिफाइड बैंकर को पेमेंट किया जाएगा अच्छा yes. कभी कभार क्रॉसिंग के साथ आप रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड कर सकते हो रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट अ थर्ड टाइप ऑफ क्रॉसिंग ये बात आप समझ लो दो तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अकाउंट पे ही एंड नॉट नेगोशियेबल ये सेंटेंस मैं कह रही हूँ आप मुझे कहना सही है या गलत है through a not negotiable restriction the negotiable instrument cannot be negotiated any more correct or incorrect incorrect, In In not negotiable dekho net not negotiable फिर भी आप कह रहे हो negotiable है yes. एकदम बहुत famous कहावत है मराठी में जस दिस्त तस नस्त मतलब जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है भले ही नाम नॉट नेगोशियबल है फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जा सकता है तो क्यों नाम नॉट नेगोशियेबल है क्योंकि ये जो नेगोशियेबिलिटी का सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है कि टाइटल क्लियर हो जाता है ये होल्डर को नहीं मिलता है केस ऑफ नॉट नेगोशिएटेड क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्शन गेटिंग इट माई डियर फ्रेंड्स अभी भी नेगोशियेबल है बट अगर कोई डिफेक्ट है ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा वो डिफेक्ट क्लीन एंड क्लियर नहीं होगा मतलब नॉट नेगोशियेबल रिस्ट्रिक्शन में होल्डर इन ड्यू कोर्स का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है डिफेक्ट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड एज दे आर ऑन द इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर ठीक है वो भी करेंगे मेरी बुक का पेज 115 है प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर पेइंग बैंकर मतलब कौन सा बैंकर होता है बोलो ड्रॉई हु सिंह ड्रॉर फटका खाएगा ड्रॉअर तो इंसान होता है मेरे और आपके जैसा paying banker is the drawee who is drawer seriously yaar aapka kuch nahi ho sakta hai paying banker is the drawee banker it is the drawee in case of a check वो पर्सन है जो इंस्ट्रूमेंट पे पैसा दे रहा है इसलिए तो नाम है ना पेइंग बैंकर हाँ या ना थोड़ा तो सूझबूझ इस्तेमाल कीजिए आपका अब देखो चेक्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं एक तो ऑर्डर चेक हो सकता है बैरर चेक हो सकता है जनरली क्रॉस चेक हो सकता है या स्पेशली क्रॉस चेक हो सकता है अगर ये एक ऑर्डर चेक है ऑर्डर चेक मतलब पेई का नाम लिखा है हाँ है ना मतलब ड्रॉई बैंकर को क्या ख्याल रखना है जब आप पेमेंट कर रहे हो उसी पर्सन को पेमेंट करना है जिस पर्सन का नाम लिखा है तो इट विल बी प्रोटेक्टेड हाँ या ना अगर बैरर इंस्ट्रूमेंट है उसी पर्सन को पेमेंट करना है जो इंस्ट्रूमेंट को प्रोजेस कर रहा है बेर कर रहा है जनरल क्रॉसिंग है पेमेंट बैंकर को ही करना है स्पेशल क्रॉसिंग है पेमेंट उसी बैंकर को करना है जिसका नाम स्पेसिफाइड है हाँ या ना नेक्स्ट प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर ये इंपॉर्टेंट है कलेक्टिंग बैंकर मतलब किसकी बैंकर ड्रॉर की बैंकर ड्रॉई होती है और वो पेइंग बैंकर होता है कलेक्टिंग बैंकर कलेक्टिंग 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 पेई की बैंकर को कहते हैं कलेक्टिंग बैंकर लेक्टिंग बैंकर को कब प्रोटेक्ट किया जाएगा कलेक्टिंग बैंकर को तब प्रोटेक्ट किया जाएगा पेमेंट इन गुड फेथ एंडलीजेंस ये दोनों भी वर्ड की वर्ड है इट विल बी प्रोटेक्टेड वेन इट हैज कलेक्टेड द पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस नेक्स्ट बैंकर मस्ट एंड बैंकर में रिफ्यूज अ चेक ऐसा मालूम है टू ऑनर अ चेक मस्ट मतलब कंपल्सरी एंड मे मतलब कर भी सकता है और ना भी कर सकता है अब अगर देखा जाए कब मस्ट और कब मे सपोज ये चेक है ये डेट की जगह है तो अब डेट अनडेटेड चेक मस्ट डिसऑनर आउटडेटेड स्टेल चेक मस्ट डिस पोस्ट डेटेड चेक मस्ट डिसऑनर यहां पर साइंग होती है साइंग है ही नहीं साइन मैच ही नहीं हो रही है साइन में मटीरियल अल्ट्रेशन है क्या चेक मस्ट बी डिसऑनर उसके साथ साथ अमाउंट रहता है यहां पर अमाउंट वर्ड्स में और फिगर्स में अलग अलग है क्या मस्ट डिसऑनर यहां पर ड्रॉर का नाम लिखा होता है ना ड्रॉर ड्रॉर जो है इन केस ऑफ डेथ इन केस ऑफ इनसॉल्वेंसी और इन केस यस ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ द ड्रॉर शुड द बैंकर कंपल्सरी डिसऑनर द चेक ये चेक आपको मिला है आपके घर पे था बट आपके घर के कुछ चूहों ने कमाल दिखा दिया इस चेक पे और ये चेक ऐसा हो गया मतलब तो इट्स अ म्यूटिलेटेड चेक ऐसे केस में

येस वेरी गुड द बैंकर मे डिसऑनर द चेक वो मस्ट में नहीं आता है वो मे में आता है ठीक है नवंबर <laughs> के बाद मे बस वही नजर आ रहा है आपको इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम सुनो इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत सारे अटैम्प में पूछा है लेटली पूछा है मे टू थाउजेंड फोर्टीन के अटैम्प में यहां पर क्या हुआ है दो चीजें हुई है जब ड्रॉर ने चेक इशू किया था मैंने एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह का बैंक ऑफ दिल्ली में आग लग जाती है याद है क्या आपको क्या हुआ है यहां पर यहां पर क्या हुआ है सुनो ना ड्रॉर ने जब चेक इश्यू किया है ना तब उसके पास सफिशियंट बैलेंस था बट पे के गलती के वजह से या पे नेग्लिजेंस uh, के, के वजह से पे डिड नॉट प्रेजेंट द चेक विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द मेन टाइम द बैंक गॉट बैंक करप्ट बैंक गॉट इंसॉल्वेंट द बैंक फेल्ड ऐसे केस में ड्रॉर की कोई गलती नहीं है ड्रॉर ने तो सही तरीके का चेक दिया था जब उसके पास सफिशियंट बैलेंस था गलती तो ये पे की है कि उसने रीजनेबल टाइम में चेक को प्रेजेंट नहीं किया है इसके वजह से ये बेचारा ड्रॉर भी तो फंस गया क्योंकि देखो अगर ड्रॉर के अकाउंट में दस लाख रुपए और ये चेक छह लाख का है अगर ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ऑनर कर लेता चेक को दस में से छह लाख चले जाते हैं और उसके अकाउंट में चार लाख ही रहते हैं और सपोज बैंक इंस्टॉलमेंट हो गई है ओनली टेन पैसे रिकवरेबल तो इसको मिलते कितने चालीस हजार बट बेचारे को अब कितने मिले कितने मिले ज्यादा मिले हैं क्रेजी ये छह लाख रुपए तो आपने ऑनर कर दिए ना ये छह लाख तो आपको देने ही पड़ेगा इसको तो वो छह लाख तो गए और प्लस बाकी का जो बैंक में पैसा डूबा है वो तो डूबा ही है यहाँ पे एटलीस्ट दस में से छह लाख तो चले गए ना आपके सिर्फ इस अमाउंट को थोड़ी ना आप कैलकुलेट करोगे आप दे दो मुझे आपका पैसा समझ गया नहीं अब ऐसे केस में इट इज द ड्रॉर एक्चुअली सफरिंग द लॉसेज द ड्रॉर विल नॉट बी ऑब्लाइज टू मेक द पेमेंट टू दिस पर्टिकुलर पे ठीक है बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक बाउंसिंग यहां पे क्या हुआ है बाउंस हुआ है चेक <laughs> कितने होशियार आप लोग मतलब आपसे होशियार और कोई नहीं हो सकता आप ही हो एक बस तुम ही हो एक ओपन करना है मुझे फटाफट आई जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स ड्रॉर ने होल्डर को चेक दिया है और ये चेक किसके लिए दिया है फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट दिया है फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट मतलब कोई चैरिटी नहीं है कोई गिफ्ट नहीं है देर इज लीगली एनफोर्सेबल डेट उसके साथ साथ होल्डर ने इस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर दिया है इट हैज प्रेजेंटेड द चेक विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम मतलब वैलिडिटी के अंदर या थ्री मंथ्स के अंदर थ्री मंथ्स के बाद प्रेजेंट करते हो तो चेक स्टेल हो जाता है स्टेल हो गया मतलब आउटडेटेड हो गया है मतलब इट विल नॉट बी ऑनर्ड इट मस्ट बी डिसऑनर्ड फिर क्या हुआ है बैंक ने नोटिस दी है कि चेक जो है वो रिटर्न हो गया है बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट फंड्स and this notice has to be given within the next 30 days. फिर क्या हो जाता है जब holder को ये notice मिलती है फिर भी उसको drawer को समय देना चाहिए और 15 दिनों का payment करने के लिए 15 दिनों के अंदर payment कर लिया तो फिर तो क्या बात है 15 दिनों के अंदर अगर payment नहीं किया ऐसे केस में you can go to the court of law. राइट गिविंग अ कंप्लेन इन राइटिंग विद इन द नेक्स्ट वन मंथ कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अगेंस्ट द ड्रॉर इधर फॉर जेल फाइन और बोथ जेल दो सालों तक की हो सकती है फाइन टू टाइम्स द अमाउंट ऑफ द चेक का हो सकता है या तो कभी कभार दोनों भी हो सकता है दो चीजें याद रखने लायक है पहली बात तो दिस चेक हैज टू बी इश्यूड फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट

मटीरियल अल्ट्रेशन मटीरियल मतलब समझता है ये शब्द का मतलब क्या है मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है अब सवाल ये उठता है कि कब माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है पहली बात तो सिग्निफिकेंट चेंज तब माना जाता है जब लीगल इफेक्ट चेंज होता है लीगल इफेक्ट जब चेंज होता है तब माना जाएगा मटीरियल अल्ट्रेशन है अदरवाइज द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर चेंज तब माना जाएगा कि मटीरियल अल्ट्रेशन हुआ है जब कभी भी मटीरियल अल्ट्रेशन होता है एवरी पार्टी हु हैज नॉट गिवन कंसेंट टू द मटीरियल अल्ट्रेशन विल बी डिस्चार्ज ऑन दैट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट हाँ या ना एक्सेप्टेंस ठीक है एक्सेप्टेंस में बहुत छोटी छोटी बातें हैं पहली बात तो एक्सेप्टेंस जो है इट हैज टू बी इन राइटिंग ओरल एक्सेप्टेंस इज नॉट अलाउड प्लस इट शुड बी साइन जब आप साइन करते हो यू मे और मे नॉट यूज द वर्ड एक्सेप्टेड बट सिग्नेचर होना जरूरी है यू हैव टू एक्सेप्ट ऑन द बिल ऑन द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ही रेलिवेंट है एक्सेप्टेंस जनरल भी हो सकता है और ये एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड भी हो सकता है वापस से जब प्रोमिसरी नोट बनाए हो जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए हो ऑर्डर अनक्वालिफाइड होता है बट एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड हो सकता है कुछ अमाउंट के लिए एक्सेप्ट किया है कुछ स्पेसिफिक प्लेस दिए एक्सेप्टेंस की तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस चलता है टाइम जो है वो बढ़ाया है या घटाया है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज अलाउड बट इफ देर इज अ पार्टी

बस दो तीन कॉन्सेप्ट फिर हो गया पांच मिनट लगेगा उससे ज्यादा नहीं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम यहां पे क्या हुआ है क्या हुआ है यहां पे फ्रॉड फिक्टिशियस <laughs> मतलब समझता है काल्पनिक इमेजिनरी यहां पे क्या हुआ है माई डियर फ्रेंड्स देर इज अ बिल दैट इज बीन ड्रॉन इन द नेम ऑफ अ फिकटिशियस ड्रॉई है ही नहीं कोई ड्रॉई ऐसा एंथनी ग्रॉ कर दिया कौन एंथनीस में जरूर फिकटिशियस बट इफ दिस बिल्ड इन दैंड ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स विल स्टिल है राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्शन इफ नॉट ऑब्वियसली फ्रॉम द ड्रॉइ ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्राम द ड्रॉर यही है कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू अ फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो कॉन्सेप्ट है ना अगले दो ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नवंबर 2014 के अटेम्प्ट में चार चार मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा गया था दोनों के ऊपर तो आठ मार्क का क्वेश्चन था नवंबर 2014। राइट रेड अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नाम में ही लिखा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड यहां पे क्या हो रहा है जब बिल बनता ही है ना तब हम एक पर्सन का नाम लिखते हैं और इस पर्सन का नाम जो है उसे कहा जाता है एज द पर्सन हु इज द ड्रॉइ इन केस ऑफ नीड तो कल जाके अगर ड्रॉइ बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है ड्रॉइ बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है क्या होगा पे जो है वो ड्रॉइ इन केस ऑफ नीड के पास जाएगा और उससे ये बिल का पेमेंट जो है वो मांगेगा मतलब बिल को एक्सचेंज करवाने के लिए कहेगा बिल तब तक डिसऑनर नहीं होता है जब तक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मना नहीं करता है अगर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ने एक्सेप्ट कर लिया बिल विल बी एन ऑनर्ड बिल पहले हम एक्चुअल ओरिजिनल ड्रॉई के पास जाएंगे ओरिजिनल ड्रॉई डिनाई करें तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जाएंगे ड्रॉइ इन केस ऑफ नीड भी मना करे तो हम मानेंगे दिल हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस नेक्स्ट है एक्सेप्ट ऑनर ऑफ ड्रॉर कभी कभार आप ड्रॉर के इज्जत बचाने के लिए उसके ऑनर के लिए आप क्या कर देते हो बिल का जो है वो पेमेंट कर लेते हो आप एक्सेप्ट कर लेते हो इस बिल को पेमेंट देना बट देखो यहां पर क्या होता है देखो लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर फॉर ऑनर उस पॉइंट पे आ हाँ तो

अब डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है नोटिंग प्रोटेस्टिंग भी नहीं है डिस्चार्ज भी नहीं है ऑफ पार्टीज एंड बिलो फिक्शन हुडीज तो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी मत पढ़ना ये कॉन्सेप्ट अभी ये समय है ही नहीं का हु पढ़ने के लिए एक बार आपने रिविजन के वक्त पढ़ लिया होगा क्लास खत्म होने के बाद बट अभी डोंट गिव टाइम टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ हुज सो वी आर ऑल्सो डन माई डियर फ्रेंड्स विद द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्लीज क्लैप हैंड्स फॉर योर कनेक्टेड विथ मी थ्रू फेसबुक वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या मेल मुझे ड्रॉप कर सकते हो आपका रिप्लाई जो मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगी कि 48 एट आवर्स के अंदर आपको दे दूँ <laughs> <चेके चेके चेके। laughs> और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन आपके पेपर के बाद मुझे जरूर कॉल करना या मैसेज करना अगर हो सके तो मुझसे जरूर मिलने भी आना कि कैसा आपका पेपर था जो भी है हम लोग चर्चा करेंगे है ना चलो सर so, धन्यवाद मिलते हैं थैंक यू वेरी मच